हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, अच्छा से तैयारी भी चल रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक भर्ती निकल के आ रहा है, जो वैकेंसी आ रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो BIS जो होता है, वहाँ से वैकेंसी निकल के आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। जिसके पास ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, उन लोगों ने अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना होगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। वीडियो अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो भर्ती है दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियन का भर्ती है दोस्तों। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। इसरो के तरफ से, इसरो सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर के तरफ से एक भर्ती निकल के आ रहा है, जिसके लिए डिप्लोमा है, डिग्री है या ITI है, टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट, बहुत सारा भर्ती है। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहिए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ एंसर की का मैंने PDF फाइल बना के रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, कोई भी ट्रेड से बिलोंग कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप एक ITI स्टूडेंट हो या फिटर ट्रेड से बिलोंग कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हो, जो फिटर क्रैश कोर्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यहाँ पे दोस्तों वीडियो लेक्चर दिया गया है, यहाँ पे वीडियो लेक्चर के जरिए में आप तैयारी कर सकते हो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पूरा तैयारी प्रोसेस यहाँ पे बताया हूँ, जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, अप्लाई कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड भी कर सकते हो। ये है दोस्तों इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। जो भर्ती है दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है और सीनियर टेक्नीशियन के लिए भर्ती है। जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो 30 पोस्ट है और सीनियर टेक्नीशियन जो है वो 20 पोस्ट है। उसके साथ कौन कौन ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी दिया गया है। 12 पोस्ट जो है, जो टेक्निकल असिस्टेंट के बात कर रहा हूँ, उसमें से आपकी 12 पोस्ट केमिकल है, 5 मैकेनिकल है, 2 इलेक्ट्रिकल है और 6 माइक्रोबायोलॉजी का है और 5 सिविल का है। उसके बाद दोस्तों, जो 20 वैकेंसी है और सीनियर टेक्नीशियन जो है उसके लिए यहाँ पे एयर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन एक भर्ती है और मशीन डीजल इंजन जो है वो 7 भर्ती है और इलेक्ट्रीशियन में 5 भर्ती है, फिटर में 3 भर्ती है और वेल्डर में 1 है दोस्तों, और 3 कारपेंटर में वैकेंसी है। दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन शुरू हो रहा है ये 17 फरवरी से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 8 मार्च तक इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बात करेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है, टेक्निकल असिस्टेंट बैचलर डिग्री है, माइक्रो बायोलॉजी में बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो और आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल या केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फूड टेक्नोलॉजी या मेट्रोलॉजी का है तो ही इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसमें से आपको 50% मार्क जो है एग्रीगेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो सीनियर टेक्नीशियन है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ITI होना चाहिए। ITI क्वालिफिकेशन विथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, पर ITI वालों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसको 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो ही इसको अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो है 18 से 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 में है, सीनियर टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 में है दोस्तों। लेवल 4 जो है आपकी करीब करीब 26,000 से बेसिक पे शुरू होने वाला है। अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर से जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आपकी जो एप्लीकेशन फी रखा गया है वो 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 17 फरवरी से और यहाँ पे जो एडमिट कार्ड जो इशू होगा दोस्तों 23 मार्च में है, टेंडेंटिव लिखा गया है
उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम जो होगा 29 मार्च में है, और रिजल्ट जो है 21 मार्च तक आपकी फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो रहा है मेरे को पूछ सकते हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप हमारे हेलो ऐप डाउनलोड करके हेल्पिक तपन सर्च करिए, उधर से भी मेरे साथ चैटिंग कर सकते हो, इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, फेसबुक में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत सारा मीडिया है जो मेरे साथ चैटिंग भी कर सकते हो दोस्तों। चले दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।